स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो के बनाए जाने तक NHAI के ऑफिशियल डेटा से हम यह जानेंगे कि पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, और अब इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कौन से खंड को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यातायात के लिए खोला जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना वर्तमान समय में हमारे देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको की फ्यूचर में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह पूरा एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। यह परियोजना दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, लालसोत, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी, विरार होते हुए मुंबई के नजदीक JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। और इस एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और पूरे दुनिया का 8 लेन या इससे ऊपर के लेन वाले कैटेगरी में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अर्थात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा। पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य दिल्ली से वडोदरा तक बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से JNPT पोर्ट तक कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई तक के बीच यात्रा के दौरान बाय रोड लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सोहना से दौसा होते हुए लालसोत तक के खंड को ऑलरेडी यातायात के लिए 12 फरवरी 2023 को खोला जा चुका है। सोहना से लालसोत तक के खंड का निर्माण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया गया है और इस खंड की लंबाई लगभग 246 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस खंड के उद्घाटन हो जाने के कारण गुरुग्राम से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 3.25 घंटे में पूरा किया जाता है और दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 4 घंटे में पूरा किया जा रहा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के DND फ्लाईओवर से फरीदाबाद होते हुए सोहना खंड के निर्माण के बाद भविष्य में दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए 94 वेस्ट साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना के इर्द गिर्द 20 लाख से अधिक पेड़ों को भी लगाया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत हरेक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जगह जगह पर सोलर पैनल, इसके सभी ओवर ब्रिजेस, अंडर पासेस और इंटरचेंजेस पर स्ट्रीट लाइट्स, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरास इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके वेस्ट साइड एमिनिटीज के अंतर्गत इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए हेलीपैड्स की भी व्यवस्था होगी। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए जगह जगह पर स्पीड ट्रैकर, इसके साथ ही साइन बोर्ड्स, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिफ्लेक्टर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इमरजेंसी व्हीकल पार्किंग एरिया, क्रैश बैरियर, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फीट ऊंची कंक्रीट वॉल इत्यादि कई प्रकार की आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मीडियन की चौड़ाई लगभग 21 मीटर होगी और इसके मीडियन स्पेस के अंतर्गत ही फ्यूचर में होने वाले लेन एक्सपेंशन के लिए जमीन को रिजर्व रखा गया है और वर्तमान में इसके मीडियन के अंतर्गत फूलों और पौधों को लगाया गया है और इन फूलों और पौधों पर सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक की व्यवस्था की गई है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल,
पाइपलाइन और सोलर एनर्जी के लिए 3 मीटर चौड़ा डेडिकेटेड कॉरिडोर का प्रावधान दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए 40 स्थानों पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में जानवरों के बाधा रहित आवागमन हेतु 3 एनिमल अंडरपासेस और 7 एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया जा रहा है और इन एनिमल अंडरपासेस और ओवरपासेस की कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके साथ ही राजस्थान के मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत लगभग 5 किलोमीटर लंबा एक आइकॉनिक 8 लेन के ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में माथेरान इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत एक 8 लेन के ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा और इस ट्विन टनल की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम 2017 में प्रस्तावित किया गया था। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के अंतर्गत आता है और इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और वर्तमान समय में इसका निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है और इसका फेज 1 को ऑलरेडी यातायात के लिए खोला जा चुका है। तो अब इस परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जिसको कि NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आपको बता दें कि पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को 4 खंडों में बांटा गया है और पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण 53 पैकेजेस में किया जा रहा है। इस परियोजना का पहला खंड जो कि दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर सोहना तक है और इसका एक स्पर जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे है। इस पूरे खंड की लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है जिसमें DND सोहना खंड की लंबाई 59 किलोमीटर है और जेवर एयरपोर्ट स्पर की लंबाई 31 किलोमीटर है। इस खंड के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। वर्तमान में इसके 3 पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसका पैकेज 4 जो कि जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे है इसका निर्माण बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस खंड के निर्माण के बाद दिल्ली की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि DND से सोहना तक का खंड जिसकी लंबाई 59 किलोमीटर है जनवरी 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का दूसरा खंड जो कि सोहना से वडोदरा के बीच है इसके अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इस खंड की कुल लंबाई 845 किलोमीटर है। इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 31 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस खंड का पैकेज 1 से लेकर पैकेज 8 तक का भाग ऑलरेडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको फेज 1 के अंतर्गत यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। फेज 1 सोहना से दौसा होते हुए लालसोत तक है और इसकी कुल लंबाई 246 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस खंड के पैकेज 17 से लेकर पैकेज 25 तक के भाग का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। यह स्ट्रेच मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आता है और बहुत ही जल्द इस भाग को भी यातायात के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही इस खंड के बाकी के पैकेजेस पर भी निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और सोहना से वडोदरा तक का पूरा खंड जून 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का तीसरा खंड वडोदरा से मुंबई के नजदीक विरार तक है और इस खंड की कुल लंबाई 355 किलोमीटर है। इस खंड के अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 13 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 2 पैकेजेस को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस खंड के पैकेज नंबर 8 और पैकेज नंबर 9 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, इस खंड के पैकेज 1 से लेकर पैकेज 4 तक के भाग का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि इसी साल के जून या जुलाई महीने में इस भाग को यातायात के लिए खोला जा सकता है।
इस भाग की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसको वडोदरा अंकलेश्वर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। और इस भाग के चालू हो जाने के कारण वडोदरा से भरूच और अहमदाबाद से भरूच के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और वडोदरा से विरार तक पूरा खंड जून 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का चौथा खंड है विरार से जेएनपीटी पोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे। इस खंड की लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। और इस खंड के निर्माण कार्य को 5 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 4 पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और इसका एक पैकेज जो कि पैकेज नंबर 18 है, इसके निर्माण के लिए बिड्स को इनवाइट किया जाने वाला है और बहुत ही जल्द इसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा। इस खंड के निर्माण के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और यह खंड मुंबई शहर के लिए एक बाईपास का भी काम करेगा। इस खंड को महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। विरार जेएनपीटीएस पर पूरी तरह से 2024 में बनकर तैयार होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसके जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और पूरा परियोजना उम्मीद है कि जून 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये रहा आपके स्क्रीन पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की पूरी डिटेल। इनमें सभी पैकेजेस के नाम, उनकी लंबाई, पैकेजेस का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा इसकी डिटेल, इन पैकेजेस का कौन कौन सी कंपनियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान में इसके प्रत्येक पैकेजेस का कितना परसेंट निर्माण कार्य पूरा हो चुका है इसकी भी डिटेल दी गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।